हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मनु सिंह और आज हमारे साथ हैं मिस्टर शेष कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट। ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर। सर, आज हम क्वेश्चन लेंगे अपने व्यूवर्स के तरफ से जो क्वेश्चन आए हैं। जी, हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों की मदद भी हो रही है। जिस काम के लिए हमने ये करना शुरू किया था, वीडियो बनाना। वीडियो बनाना चालू किया था और इन सब चीज़ों को हम नेट के थ्रू लोगों को बता रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया था सर। उसमें पूछा था कि मेरी एक दोस्त की शादी हुई है, उसको 5 साल हो चुके हैं और वो उनकी जो वाइफ हैं जी वो अपने घर चली गई हैं। 2 साल से वो वापस भी नहीं आई हैं क्योंकि उनके वाइफ के घर वाले जी बहुत जी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे उनकी लाइफ में और वो घर वापस आना नहीं चाहती हैं। तो उसके लिए जो है इनके हस्बैंड को क्या करना चाहिए? उनके फ्रेंड ने ये सवाल पूछा हुआ है, वो चाहते हैं जानना और मदद करना अपने फ्रेंड की, तो उसके बारे में कुछ हमें बता देते। ऐसा है, जो व्यूअर्स पूछे हैं जी, ऐसे पारिवारिक मामले बहुत सतर्कता से हल किए जाते हैं। हल किए जाते हैं, उसके लिए लिटिगेशन किया जाता है। जी फिर भी अगर व्यूअर्स ने ये नहीं बताया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जी हिंदू विवाह में अधिनियम में धारा 9 में जी ये व्यवस्था है, द रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, पुनर्स्थापना करने के लिए विवाहित संबंधों को न्यायालय पर आप जा सकते हैं और न्यायालय से सिविल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जी जो जो है परिवार न्यायालय में जाए, जी वो जज होता, मतलब सीनियर डिवीजन, मतलब वो उसको एडिशनल जज होते हैं वो, जी और उनको पूरा अधिकार होता है इस मामले में। और जी अगर वो कोई डिग्री दे देते हैं वैवाहिक संबंध स्थापित के लिए, विदाई का दावा जिसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ शादी के बाद विदाई होता है, जी अगर वो कामयाब नहीं होता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा कोर्ट में जा सकते। सकते हैं और वहाँ विदाई का दावा दायर कर सकते तो हैं। इसमें कुछ अब कॉम्प्लिकेशन है कि वो पहले आई थी और बाद में शायद चली गई हैं इसी से। इसीलिए है, जी अब उसमें तलाक जैसी चीज़ बहुत बाद में होती है, जी पहले तो उन्हें प्रयास करना चाहिए विदाई करने का। उससे दो फायदा है, लोग डिफेंस ले लेते हैं, औरतें डिफेंस ले लेती हैं कि हमारे साथ एक क्रूरता हुई है, वहाँ दहेज जैसे अपराध अभियोग लगा दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 498 का मुकदमा बहुत खतरनाक होता है, नॉन अवेलेबल है, और वो दहेज अधिनियम 7 वर्ष तक लगता है। दहेज उत्पीड़न का कानून जो है 498 IPC के तहत, ये तो वो गंभीर अपराध है, इसलिए इनको पहले विदाई का दावा दायर करना चाहिए। जैसे हिंदू के लिए 9A में है, ऐसे ही मोहम्मडन लॉ में उसके लिए अलग से व्यवस्था है, 11 11 11 1 में, वही रुख्सती का दावा, जी उर्दू में, हिंदी में उसी विदाई और उर्दू में उसी रुख्सती रुख्सती का दावा दायर जी करते हैं ना, वो भी विदाई ही होती है, तो जी उसके लिए अलग अलग प्रोविजन है। लेकिन मेरे समझ से तो पहले विदाई का दावा इन्हें दायर करना चाहिए और न्यायालय पर उनको हाजिर करना चाहिए। और बहुधा देखते हैं, मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो विदाई का दावा दायर होता है तो फिर उसमें पति पत्नी न्यायालय पर उपस्थित होते हैं तो कुछ समझौता बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। उसके बाद तो फिर उसके लिए अलग अलग स्टेप, अलग तरीके हैं, हिंदू में दूसरी तरह से डाइवर्स होता है जी धारा 13 में हिंदू विवाह अधिनियम में, मुस्लिम में भी, मुस्लिम तो में विवाह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है जी तो उसमें थोड़ा और आसान होता है, जी विवाह विच्छेद तो अंतिम रास्ता है, पहले उसको वैवाहिक संबंधों को सॉल्व करने का तो तरीका ये अडाप्ट किया कोर्ट जाता में है। जा सकते हैं, नहीं, विदाई का दावा दायर विदाई करें, का दावा इनके करें लिए और सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है, पहले विदाई का इसका दावा प्रूव करें, करें और हाँ पति उसके पत्नी बाद बात जी, करें और कोर्ट के रास्ता सामने निकालें, और है ना, रास्ता निकालें। तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। थैंक यू सर, आपकी इन इंफॉर्मेशन से हमारे यूज़र्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है और उसके वजह से हमारे समाज में एक जागरूकता भी आ रही जी है। जी जी थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।